आखिर क्या था मोक्ष का पास्ट और क्यों है वो इतने दर्द में? क्या ये नफरत कभी प्यार में बदलेगी और क्या होगा जब वो पास्ट सामने आएगा? क्या मोक्ष को खोने लगा है नफरत के बीच? आपको क्या लगता है? जहाँ अंशी बुरी तरह ससक रही थी, वही मोक्ष खुद को टॉर्चर कर रहा था और उसे अपना वो पास्ट याद आ गया। आज से 2 साल पहले मोक्ष बहुत खुश था। उसकी जिंदगी में उसकी सिर्फ एक बहन निशा थी, जिसे वो जान से भी बढ़कर चाहता था। एक दिन जब वो घर आई तो बहुत घबराई हुई थी। क्या हुआ निशा, तू इतनी अपसेट क्यों है? कुछ नहीं भैया, तबीयत थोड़ी वीक है, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मोक्ष हर दिन निशा को रोती देख रहा था और एक दिन जब वो घर आया तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि खून से सनी निशा फर्श पर पड़ी हुई थी। उसने अपनी नस काट ली थी। ये देख मोक्ष के होश उड़ गए। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। मौत से लड़कर निशा जिंदा तो बच गई, और फिर निशा ने उसे जो बताया उसे सुनकर वो दंग रह गया। I'm sorry भैया, अब मैं आपसे और नहीं छिपा सकती। मैं आर्यन बहरा से प्यार करती हूँ। उसने मुझे प्यार के जाल में फंसाया सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने को, और मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। मैंने उसे बहुत अपनाया, पर उसने मुझे कैरेक्टरलेस लड़की कहकर छोड़ दिया, और कल उसने मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी मार दिया। मेरे पास जान देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। ये सुनकर मोक्ष की मुठिया गुस्से से भीग गई। तूने जितने आंसू बहाने थे बहा लिए, अब बर्बादी शुरू होगी उस आर्यन मेहरा और उसके परिवार की। और रही बात तेरी, तो तेरे लिए ऐसा लड़का लाऊंगा कि ये पूरी दुनिया तेरी जैसी किस्मत पाना चाहेगी। और फिर मोक्ष ने आर्यन मेहरा को अपनी की में रख कर दिन रात टॉर्चर करता रहा, पर मोक्ष के दिल को अभी भी चैन नहीं मिला था। इसीलिए उसने आर्यन की बहन अंशी मेहरा के साथ वही सब करने का फैसला किया जो उसकी बहन के साथ हुआ था। मैं तुमसे तब तक बदला लूंगा अंशी, जब तक तुम्हारा भाई खून के आंसू नहीं रोता। मैं चाहता तो उसे जान से मार देता, पर नहीं, वो भी हर दिन तुम्हें मेरी बाहों में देखकर वैसे ही तड़पेगा जैसे तुम लोगों ने मेरी बहन को तड़पाया है। और फिर दिन ऐसे ही बीतने लगे। 2 महीने बाद मोक्ष अंशी को हर रात टॉर्चर करता और उसके बाद अकेले में खुद को चोट पहुंचाता। अंशी लगातार वहां से भागने की कोशिश करती, पर मोक्ष की कैद से भागना इतना आसान नहीं था। एक दिन अंशी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी कि तभी अलमारी के पीछे बना उसे एक रास्ता दिखा। ये तो कोई सीक्रेट दरवाजा मालूम पड़ता है, खोल कर देखती हूँ। जैसे ही अंशी ने उसे खोला, वो एक रास्ता बन गया, जिसे देख अंशी हैरान होते हुए उस दरवाजे में चली गई। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें अंधेरा था। अंशी ने लाइट ऑन की तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसका भाई आर्यन मेहरा जंजीरों में बंधा वहाँ पड़ा था। आर्यन भैया, आप यहाँ इस हालत में, आपको यहाँ किसने और क्यों? अंशी को देख आर्यन बुरी तरह रोने लगा। अंशी मेरी बहन, मुझे बचा ले, एक तू ही है जो अपने उस राक्षस पति से मुझे बचा सकती है। क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे सब सच बताओ। वो मोक्ष है ना, तुझे लेकर पागल था, वो तेरा रिश्ता लेकर आया था। वो अच्छा इंसान नहीं है तो मैंने मना कर दिया, इसीलिए उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। वो मुझे टॉर्चर करता है, अब तू ही है जो मुझे बचा सकती है। तू एक काम कर, उसे खुद को सौंप दे और वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। ये सुनकर अंशी गुस्से से कांप उठी। इतना गिरा हुआ निकलेगा ये इंसान, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता था कुछ तो दर्द छुपा है इनके अंदर, पर इनके अंदर तो मुझे लेकर सिर्फ हवस निकली। अंशी ने जल्दी से आर्यन को खोल दिया। मैं तो यहाँ से भाग नहीं पाई, पर आपको मैं बिना वजह सजा नहीं भुगतने दूंगी। आपको इस सोने के पिंजरे से निकाल कर रहूंगी। अंशी उसे वहाँ से बाहर ले आई, उसे एक गार्ड के कपड़े दिए और किसी तरह वहाँ से भगा दिया। रात को जब मोक्ष कमरे में आया तो हैरान रह गया, क्योंकि अंशी लाल साड़ी पहने हुए थी।
वो मोक्ष के पास आकर उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, आपको सिर्फ हमारा जिस्म ही चाहिए ना, ये लीजिए, हम सौंपते हैं आपको खुद को, जितना चाहिए हमें टॉर्चर कर लीजिए, आज के बाद मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी, अपनी हवस पूरी कर लीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो आप चाहते हैं। हर दिन मैं रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, पर आप रुकते नहीं, आज के बाद आपको कभी नहीं रोकूंगी। इतना बोल अंशी जैसे ही अपनी साड़ी का पल्लू हटाने लगी, ये देख मोक्ष की आंखें आज पहली बार शर्म से झुक गई। उसने जल्दी से उसको रोक दिया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों, आज क्यों बुरा लग रहा है? जब रोज रो रो कर आपके सामने भीख मांगती हूँ, तब तो आपको शर्म नहीं आती। आज मैंने किसी बिकी हुई औरत की तरह क्या बोला, आपका सर झुक गया? मोक्ष की आंखें गीली हो गई। मोक्ष ने जल्दी से अंशी को अपने सीने से लगाया और बोला, बदले की आग में कब कितना गिर गया कि एक औरत की इज्जत को उसकी कमजोरी बनाकर उसका इस्तेमाल करने लगा। मुझे माफ कर दो अंशी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुनकर अंशी ने मोक्ष को जोर से धक्का दिया, दूर रहिए मुझसे, आपने मुझे पाने के लिए मेरे भाई को कैद कर लिया, मुझे पाने की इतनी तलब थी आपको कि आप इतने गिर गए और मेरे मासूम भाई को अपने सीक्रेट हाउस में बंदी बनाकर रखा। सारा सच मेरे सामने आ गया है। छी, कितने गिरे हुए निकले आप। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने भाई को आपकी कैद से आजाद करवा दिया। क्या, तुमसे उसने ये सब कहा? तुम्हारे भाई ने तुमसे झूठ बोला है। इस बदले की आग को मैं भी आज खत्म करना चाहता हूँ। इतना बोल मोक्ष एक फाइल ले आया और अंशी को दिखाते हुए बोला, ये देखो, सच वो नहीं है जो तुम्हारे भाई ने बताया है, बल्कि सच ये है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ। इतना बोल मोक्ष की आंखें भर आई। उस फाइल में सारी रिपोर्ट्स और आर्यन और निशा की पिक्चर्स भी थे। सारा सच जानकर अंशी लड़खड़ा गई। मेरा खुद का भाई घटिया था और उसको कोई गिल्ट तक नहीं। मैंने उस मुजरिम को भगा दिया और मोक्ष उन्हें हमेशा गलत समझती रही। कितना गलत हुआ मोक्ष के साथ। अंशी जैसी सदमे में थी, भीगी आंखों से बोली, आपकी बहन के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। ऐसा दुनिया की किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, पर आपने जो मेरे साथ किया उसमें और मेरे भाई में क्या फर्क है मोक्ष? मेरी आंखों में देखकर जवाब दीजिए। ये सुनकर मोक्ष का सर झुक गया। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर मेरा यकीन करना, जब जब मैंने तुम्हें दुख दिया है, तुमसे ज्यादा दर्द मुझे हुआ है, खुद को तुमसे ज्यादा टॉर्चर किया है, और इस बीच नफरत और बदले के बीच कब तुमसे प्यार हो गया कुछ पता ही नहीं चला। पर अब बस तुम भी सच जान चुकी हो और मैं शर्म से मर रहा हूँ। हाँ, मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हाँ, मैं इकरार करता हूँ कि तुम्हें देखे बिना मेरा एक पल भी नहीं कटता। पर अब मैं खुद को और मेरे प्यार को तुम पर थोप नहीं सकता। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम्हारी याद में जिंदगी भर तड़पता रहूंगा, ये ही मेरी सजा है। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। उसे ऐसे देख अंशी की आंखों से भी आंसू बहने लगे और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, आपको पता है मोक्ष, मुझे भी आपकी अब आदत सी हो गई है। ये 2 महीने मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बने कि अब मैं आपके बिना रह नहीं सकती। मैं आपके साथ आपके पास रहना चाहती हूँ। आपकी बहन को लेकर आपके दिल में जो दर्द है, मैं उसे अपने प्यार से मिटाना चाहती हूँ। आपको बाहों में भरकर आपको वो सुकून देना चाहती हूँ जिससे आप अपने दिल की सारी तड़प भूल जाओ। बोलो, क्या दोगे मुझे ये हक? क्या दोगे मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा? क्या हम दोनों एक साथ प्यार से सारी जिंदगी रह सकते हैं? ये बोलते हुए अंशी के चेहरे पर प्यार और आंखों में आंसू भरे थे। ये देख मोक्ष जो दुनिया भर का मायूस था, उसकी आंखों में उम्मीद जग उठी। वो बेसब्र होकर बोला, क्या क्या, तुम सच कह रही हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगी? क्या मैं तुम्हें सीने से लगा सकता हूँ? बस एक बार और बोल दो और मिटा दो मेरे दिल की तड़प। प्लीज बोल दो, प्लीज अंशी, आई लव यू अंशी,
आई लव यू सो मच। उस वक्त मोक्ष रोते हुए कांप रहा था। अंशी ने हाँ भी सर हिला दिया तो मोक्ष अंशी से लिपट गया और उसे अपने सीने में छुपाकर उसके पूरे चेहरे को प्यार से चूमने लगा। ये लम्हा जैसे उनके लिए रुक सा गया था। आज दोनों एक दूसरे के अंदर पहली बार सुकून पा रहे थे। 2 साल बाद अंशी और मोक्ष ने आर्यन को जेल करवा दी थी और आज दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और आज प्यार ही उनकी दुनिया बन चुका था। Love him.